बच्चों, हम सभी जानते हैं कि 14 नवंबर को पूरे भारतवर्ष में बाल दिवस यानी चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। तो इसी चिल्ड्रंस डे पर आप सभी के लिए एक छोटी सी बाल कहानी प्रस्तुत है, जिसका नाम है गुब्बारे। पंडित जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 में हुआ था। वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे और इनके सम्मान में ही हम लोग 14 नवंबर को बाल दिवस यानी चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाते हैं। बच्चों के प्रति उनके प्यार ने उन्हें चाचा नेहरू का खिताब दिया। चिल्ड्रंस डे खासकर स्कूल्स में मनाया जाता है और बच्चों को तरह तरह के खेल खिलाए जाते हैं। इसके साथ उनकी टीचर्स पार्टी मनाते हैं ताकि बच्चों को ये एहसास हो कि वे स्पेशल हैं। एक बार की बात है, मिसेस गीता नाम की एक प्राइमरी स्कूल की टीचर थी। मिसेस गीता खेल खेल में बच्चों को बहुत कुछ सिखा देती थी। चिल्ड्रंस डे का दिन था और उन्होंने बच्चों के लिए कुछ खास तैयारियां की थी। बच्चे जैसे ही स्कूल पहुंचे, उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। रंग बिरंगे गुब्बारों से स्कूल सजा हुआ था और उनका स्वागत एक गुलाब के फूल से किया जा रहा था। घंटी बजते ही बच्चे अपनी अपनी कक्षा में जाने लगे। मिसेस गीता अपने क्लास के बच्चों से बोली, बच्चों, आप सभी को इस टोकरी से एक एक बलून लेना है और उसे फुलाना है। सारे बच्चे टोकरी के पास दौड़ कर आए। सबने एक एक बलून उठा लिया और उसे अपने मुंह से फुलाने लगे। बच्चे गाल फुला फुला कर बलून में हवा भर रहे थे और कई बलून तो कुछ बच्चों के मुंह पर फट भी गए। खैर, सबने एक एक बलून फुला लिया और फिर मिसेस गीता के अगले निर्देश का इंतजार करने लगे। मिसेस गीता ने बच्चों को बलून पर अपना अपना नाम लिखने को कहा और फिर उसे एक खेल के कमरे में रखने को कहा। बच्चों ने फटाफट गुब्बारों पर अपने नाम लिखे और लाकर उसे खेल के कमरे में रख दिया। अब वो कमरा रंग बिरंगे गुब्बारों से भर गया। इसके बाद मिसेस गीता ने बच्चों को अगला निर्देश दिया, बच्चों, अब आप लोगों को अपने नाम का बलून ढूंढ कर निकालना है और ध्यान रहे किसी का बलून फटे नहीं। बच्चे स्पोर्ट्स रूम की तरफ दौड़ पड़े। वहां स्पोर्ट टीचर मिस्टर ठाकुर ने जैसे ही सीटी बजाई, सारे बच्चे गुब्बारे पर टूट पड़े। लाल, नीले, पीले, हरे गुब्बारों के बीच में प्यारे प्यारे बच्चे बड़े अच्छे लग रहे थे। कमरे का माहौल कुछ यूं था कि हर बच्चे के हाथ में एक गुब्बारा था जिसे वो पलट पलट कर देख रहा था और अपना नाम खोज रहा था। अपना नाम ना मिलने पर वह उसे छोड़ता और दूसरे गुब्बारे पर टूट पड़ता। ये देखकर मिसेस गीता मुस्कुराती रहीं और 5 मिनट खत्म होने का इंतजार करती रहीं। 5 मिनट पूरे होते ही मिस्टर ठाकुर ने सीटी बजा दी। अब बच्चे हताश होकर अपनी अपनी टीचर के पास आ गए। फिर मिसेस गीता ने कहा, बच्चों, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। अब आप लोग एक एक गुब्बारा उठाएंगे और जिसका नाम उस पर लिखा होगा वो गुब्बारा उसे दे देंगे। बच्चों ने एक एक गुब्बारा उठाया और नाम पढ़कर एक दूसरे को पकड़ाते गए। कुछ ही मिनटों में सबके पास उनके नाम का गुब्बारा था। मिसेस गीता ने बच्चों से कहा, आप लोगों ने पहली दफा 5 मिनट लगाए पर किसी को भी उसके नाम का गुब्बारा नहीं मिला, पर जब आप लोगों ने मिलकर काम किया तो कितनी जल्दी में खेल पूरा हो गया और सबके पास उनके नाम का गुब्बारा भी आ गया। इसीलिए जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो काम आसानी से हो जाता है और कम समय में पूरा भी हो जाता है। बच्चों को मिसेस गीता की बात समझ में आ गई। इसके बाद सब बच्चों ने साथ मिलकर चिल्ड्रंस डे की पार्टी की, खूब डांस किया और हमेशा की तरह एक बार फिर स्कूल में बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए, इससे काम आसानी से हो जाता है। इसी के साथ आप सभी को बाल दिवस।